Hi. Thanks for coming. Yes, please. सबको लग रहा है मेरा पारा हाई है. First of all, congratulations. Thank you. You are getting a huge response. Thank you. So how you feel? I'm feeling excellent. I'm feeling like जितनी मेहनत करी है इस फिल्म के लिए and of course life में in general finally वो appreciation, वो प्यार, वो those words that almost make you cry. I cry for everything, but it's really overwhelming. प्रेपरेशन तो एक्चुअली हमने वर्कशॉप किया था, 30 दिन का वर्कशॉप था बिफोर वी वेंट ऑन द सेट. लेकिन हाँ, मेंटली मुझे अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करना था क्योंकि रुबीना से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने सृजित सर और विद्या की जो यू नो का जो मुझ में विश्वास था उसे लेट डाउन नहीं किया है. एंड ऑल दोस प्रेपरेशन एंड दैट बींग इन दैट एब्सोल्यूट वॉर जोन हैज़ पेड ऑफ. Every comment is memorable. मैं क्या बताऊँ अभी. इंडस्ट्री से तो ऑफकोर्स मतलब चुनिंदा आए हैं, लेकिन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भट्ट साहब का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विद्या का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और नॉर्मल लोग जो जिनसे मैं एक्चुअली सालों से भी बात नहीं कर पाई हूँ उनके मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे लग रहे हैं. एक स्वीट, बहुत ही स्वीट नहीं कहूँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मैं विद्या बालन की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ. और अगर उनके प्रेजेंस में रहकर कोई ये कहता है कि उनकी प्रेजेंस में भी यू नो रुबीना शाइन करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ही एक हाथ यू नो मुझे ऐसा लगता है कि एक विनम्र, आई फील लाइक आई एम वेरी हम्बल्ड बाय इट कि मेरे सुपरस्टार के प्रेजेंस में अगर मेरे काम की यू नो 0.01% भी तारीफ की जा रही है, तो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात. आई हैव लर्न्ड ऑल अ लॉट फ्रॉम हर. मैं एक्चुअली शूट के दौरान उनको सिर्फ घूरते रहती थी, तो जब उनका शॉट चल रहा होता था वो ऐसी नज़र उनकी घूमती थी, तो शी वुड कैच माई आई लुकिंग एट हर. तो तीन चार बारी ऐसा हुआ शूट के दौरान, तो एक दिन आई जस्ट वॉक्ड अप टू हर एंड आई सेड I know you think I'm a stalker क्योंकि मैं आपको घूरते रहती हूँ, but it's because I get to learn so much from you. The way she breathes, जैसे वो हंसती हैं, जैसे वो बस वो घुल जाती हैं character में, and I think बेगम जान में she has outdone herself. So what about इला मैम? इला मैम से तो मैं बहुत कुछ मतलब इला मैम इज़ अ स्कूल, उनसे वो एक स्कूल हैं, आप उनसे जितना सीखें आपको लगेगा कि वो कम है. She is fantastic. लीड कैरेक्टर्स के उतने आपको नाम नहीं याद रहते जितने आप कैरेक्टर्स के नाम याद रखते हैं, सो which is quite a thing. That's awesome. Sorry, what was your question? उसके बाद क्या? वहाँ से लेके यहाँ तक तो कैसे थी आपकी जर्नी? मेरी जर्नी ऑफ कोर्स चलती जा रही है इंशाल्लाह. आई होप इसके बाद जितने भी मैं रोल्स करूँ, आई होप अगर लीड्स भी हो तो भी वो उनके नाम आपको याद रह जाए बिकॉज वो इतने इम्पैक्टफुल हों. दुआ तो यही करती हूँ और मेहनत भी उसी के लिए करती हूँ और सिलेक्ट अपने काम अपना काम भी उसी बेसिस पे सिलेक्ट करती हूँ कि वो लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ जाए, एक छवि छोड़ जाए. तो जर्नी अमेजिंग रही है एंड टुडे रुबीना इज़ द हाईलाइट ऑफ माय लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. मैं जिम में जाती हूँ या कहीं और जा रही हूँ दो तीन दिन से, तो लड़कियाँ बॉयज़ आई मीन इक्वली दे कम एंड दे जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे से आपका रोल, आपने क्या किया, वो रॉक वाला सीन है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे अब्जॉर्ब करूँ ये सब. तो इट्स एन अमेजिंग फेज एंड आई होप दैट इट कंटिन्यूस. बेगम जान की जब भी नाम आते हैं तो तीन जन की परफॉर्मेंस ही बहुत ही सराहनीय है. विद्या मैम, इला अरुण जी और आपको, तो ऑल्सो चंकी,
चंकी या तो चंकी ऐसे लगता है मैं ऐसे वाला नाच रही हूँ. I feel like I should dance like this and say yay. वो एक छोटा बच्चा होता है ना जो कोने में जाके बस ऐसे ऐसे ट्विस्ट करता है, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है कि बहुत मेहनत की है यार जिंदगी में. एंड आई होप दैट दिस कंटिन्यूज. आई कैन ओनली प्रे अगर फ्यूचर में अगर कोई बायोपिक बनती है फ्रॉम मॉडल टू एन एक्टर, वुड यू लाइक टू प्ले myself? Yeah. Of course. My story has been so colorful. Yeah, my story has been a story of all breaking all odds possible. लोगों ने मुझे कहा बिग बॉस मत करना, मैंने बिग बॉस किया और जीता. लोगों ने मुझे कहा आपकी पहली पिक्चर में आप रणबीर कपूर के अगर ऑपोजिट नहीं है तो वो पिक्चर मत करना, मैंने वो पिक्चर किया. एंड कोयना शेख वॉज द मोस्ट रिमेंबर्ड फीमेल कैरेक्टर ऑफ दैट फिल्म. लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें कही थी कि अगर आप गाने करेंगी पिक्चर में तो आपको सिर्फ वो एक आइटम गर्ल का ही वो मिलेगा. लेकिन आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोकन ऑल नॉर्म्स एंड आई स्टिल प्लान टू ब्रेक मोर. एंड आई फील लाइक अगर आपकी नीयत सच्ची है और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है तो आप जो भी चाहते हैं आपके वो कदम पे आएगा और वो काम मिलेगा. एंड आज एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की पिक्चर में मेरे किरदार को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आई कैन ओनली से अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. इन शॉर्ट टाइम आपने बहुत से अलग अलग किरदार निभाए, पहले से लेके रॉकेट सिंह से लेके और वेब सीरीज में भी आपने मॉम का भी किरदार कर लिया. यस दैट्स राइट, पीनट बटर. तो इन फ्यूचर कोई ऐसा है जो रोल आप करना चाहते हैं आपके मन में? मैं सब कुछ करना चाहती हूँ. मैं भूखी हूँ काम के लिए, मुझे अच्छे काम की भूख है. एंड आई होप के वही चलता जाए. पीपल वर सरप्राइज के हाउ कैन 28 साल की लड़की बी अ मदर टू 18 साल के लड़के की माँ कैसे हो सकती है. लेकिन जब लोगों ने पीनट बटर देखी तो आज भी इनफैक्ट मैं एक प्लेन में थी परसों, मैं दिल्ली जा रही थी और मेरे जो बगल में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि रुबीना एंड बेगम जान एंड ऑल ऑफ दैट वाज फैंटास्टिक. फिर जो मेरे सामने बैठे हुए थे वो सो रहे थे, फिर वो जब जागे और मैंने उनको कहा कि थोड़ी सीट ऊपर कर दी थी तो उन्होंने रियलाइज किया कि मैं हूँ. तो वो कहने लगे कि अरे वो फिल्म आपने इतना अच्छा. मैंने कहा बेगम जान? तो कहते हैं हाँ, लेकिन वो फिल्म पीनट बटर it was fantastic. And I was just like wow, you watched a short film and it made an impact on you. And this was a like a man of maybe his early 40s. So for me that just feels like yes, jo main kar rahi hu wo sahi kar rahi hu and inshallah hopefully aage bhi chalke yahi karte rahe. Maine bahut se yeah done. Yeah, my last question. Yeah, bahut se girls aapke room mein aapko follow karte hain. You have came from a non film background to a yeah. आई थिंक मेरी जर्नी देख के ही लोग समझ सकते हैं कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट. तो इनफैक्ट मेरे सोशल मीडिया पे मैं हमेशा एक कनेक्ट रखती हूँ अपने लोगों के साथ जिनको मैं अपने क्रेजी लॉट बुलाती हूँ. तो आई थिंक जिंदगानी में एवरीडे बेसिस पे अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ या कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी से शेयर करूँ जिससे वो इंस्पायर हो पाएँ तो मेरी वही एक मुहिम रहती है. तो ऐसा तो मैंने कोई 30 मार खान का काम नहीं कर गया, बट इफ़ एज गौहर खान दे गेट इंस्पायर्ड बाई मी देन आई होप आई कैन लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. और कोशिश यही करूँगी कि लोगों को अच्छाई की राह पे बोलूँ चलने के लिए. दैट्स इट. Any upcoming project like Well, right now I'm talking about Rubina and Begum Jaan, so let's talk about that. Okay. Thank you. Thanks a lot. Appreciate it. Did you want to ask? Yeah. How are you? I'm thoda backdrop se thoda. Aa gaya jaldi. Aa gaya. Bas. Thank you. Thank you.